देखिए, जो आज हमारी मीटिंग हुई है उसमें पहले ऑब्जर्वर जो हमने लगाए हैं, स्टेट के ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री जी हैं, और उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में 25 सामने जो अलग अलग स्टेट्स के सीनियर लीडर्स हैं उनको हमने लगाया, और उनके साथ पूरी डिस्कशन हुई है कि आप वहाँ जाकर पूरा दिन वहाँ रहिए और सभी लोगों के साथ मिलकर क्या वहाँ का सिनेरियो है, कैसे इलेक्शन लड़नी है, क्या करना है, उनके सुजेशन लेकर वो हमें सुजेशन देंगे, हाई कमांड को देंगे, उसके बाद हम उनके ऊपर इम्प्लीमेंट। सेकंड जो मीटिंग थी वो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग जो स्टार्ट हुई, उसमें बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशंस हुई, और सबसे ज़्यादा एक आवाज़ में सबका एक ही कहना था कि हम राजस्थान को रिपीट करेंगे। ये मैं कह सकता हूँ कि जो योजनाएं राजस्थान की गवर्नमेंट ने लागू की है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, राइट टू हेल्थ बहुत बड़ी चीज़ है जो राजस्थान में किया, साथ साथ में जो ओपीएस है, वन पेंशन जो है वो एक राजस्थान स्टेट है जिसने लागू किया, 200 यूनिट बिजली उसके ऊपर ऐलान हुआ, 2500 करोड़ का जो फ्यूल चार्जेस हैं वो भी माफ़ कर दिए गए, किसानों के 2000 यूनिट माफ़ कर दिए गए, 1000 पेंशन की वो मैं देख रहा था कि जब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तब तब ही जो है पेंशन की इंस्टॉलमेंट बढ़ाई गई, पहले 250 था फिर 500 किया, 500 साढ़े सात सौ से 1000। हम लोगों में जाएंगे अपने काम के ऊपर, और जैसे वेणुगोपाल जी बोल कर गए पूरे हिंदुस्तान में एक स्टेट है जो 500 पर सिलेंडर सब्सिडी दे रही है, कहीं नहीं है। उन्होंने जो कहा कि हमारी कांग्रेस गरीबों के साथ है, हम अमीरों के साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं हैं जो पैसा लेकर भाग जाएंगे, जो करोड़ों रुपए देश के लेकर भाग जाएंगे, हम उनके साथ हैं जिनकी 500 रुपए या 200 रुपए जिनकी आया है, उनको कैसे, गरीबों को कैसे, गरीबी का जो इंदिरा जी ने नारा दिया था आज से 50 साल पहले, हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और साथ ही जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि कैंडिडेट्स कब होंगे, हमारे कैंडिडेट्स तैयार हैं, हम किसी टाइम भी सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक हमारी पहली लिस्ट जो आएगी, और बहुत काफ़ी नंबर जो होंगे वो हम पहली लिस्ट हम अपनी अनाउंस करेंगे, और हम सबसे पहले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी और यूथ जो है उनको भी पूरी रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, हर आदमी को जो दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।